हेलो स्टूडेंट, बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव, जस्ट रिवाइजिंग द बेसिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द करियर सिग्नल, दिस इज करियर सिग्नल, हियर इन दिस डायग्राम करियर सिग्नल इज हैविंग फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फेज शिफ्ट, बट only the frequency will be varied in frequency modulation and the amplitude will be constant. As we can see here, the peak to peak value of frequency modulated wave is constant. Okay, so what has to be varied, that is frequency. Now here in the diagram you are able to watch that when we have to understand this variation of frequency in modulated wave, just watch the baseband signal or message signal. Okay, the message signal may be any random signal, may be sinusoidal signal, cosine signal, or any mathematically functional signal. But for ease of understanding, we take either cosine or sine wave. Okay, now here what you are watching, that from the least amplitude to the maximum amplitude the baseband signal is moving. Here it is a periodically varying signal. Now as the message, when we say message signal is varying, here message signal is varying means we are talking about the amplitude of the message signal variation. So in the diagram you can watch that here the least value of magnitude of message signal is at this point. So in modulated wave, the frequency of the modulated wave will be least. What is frequency? Frequency means number of cycles per second. The students who are not getting it mathematically, they just try to understand the meaning. Number 8 second में कितने cycles complete करता है, वो है frequency. इसका मतलब frequency variation, frequency modulation की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब message signal का amplitude सबसे कम होगा, तो वहाँ पर modulated signal में number of cycles सबसे कम होंगे. और जहां पर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, वहां पर नंबर ऑफ साइकल्स मैसेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल में सबसे ज्यादा होंगे. यही बस इतना ही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी करता है. फ्रीक्वेंसी माने नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकेंड. तो इसका मतलब जहां पर मैसेज सिग्नल में एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, वहां पर नंबर ऑफ साइकिल सबसे ज्यादा होंगे. मतलब साइकिल्स बहुत पास होंगे. पास तभी होंगे जब उनका टाइम पीरियड बहुत कम होगा, और टाइम पीरियड कम है माने फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है. इन द सेम वे, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल इज डिक्रीजिंग, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, यहाँ जो साइकिल्स है मॉड्यूलेटेड वेव में, उसका टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो गया और वो धीरे धीरे चौड़े होते जा रहे हैं, माने ज्यादा स्पेस लेते जा रहे हैं, थिकर होते जा रहे हैं. ठीक है. और जहां पर लीस्ट मैग्नीट्यूड है बेसबैंड सिग्नल का, वहां पर ये मॉड्यूलेटेड वेव में जो साइकिल है वो सबसे कम होगा, या उसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होगा. यही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. सो दिस इज द basic concept of frequency modulation. Okay, now move forward. We have to understand the formula of frequency deviation, then formula of frequency modulated wave derivation. So what is frequency deviation? In the diagram what we have seen, that when the message signal is at zero magnitude, means crossing the axis line, at that time the modulated wave is having carrier frequency fc, and when the message signal has maximum amplitude,
एट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम एफसी मैक्सिमम. सपोज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एफसी इज 100 हर्ट्ज एंड एफसी मैक्सिमम इज 500 हर्ट्ज. ओके, सो हाउ मच मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज्ड? इट इज 500 माइनस 100, दैट इज 400 हर्ट्ज. अब चूंकि ये साइनोसॉइडल वेव है, पीरियोडिकल वेव है, तो जितना जीरो क्रॉसिंग से ये मैक्सिमम गया, उतना ही जीरो क्रॉसिंग से मिनिमम भी जाएगा. इसीलिए जब जीरो क्रॉसिंग से नेगेटिव साइकिल की तरफ जाता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, तो नेगेटिव पीक पर फ्रीक्वेंसी है एफ सी मिनिमम. तो हमने लिया था यहां पर एफ सी को 100 हर्ट्ज, है ना. तो अगर यहां फ्रीक्वेंसी एफ सी मैक्सिमम जो है, मैंने जो एक जनरल मैंने कॉन्सेप्ट लिया था, तो मे बी माय एग्जांपल वैल्यूज मे बी रॉन्ग, बट जितना डेविएशन एफ सी से एफ सी मैक्सिमम जाने के लिए हुआ, उतना ही डेविएशन न्यूमेरिकली एफ सी से एफ सी मिनिमम नीचे होने के लिए होना है. मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 400 हर्ट्ज की बढ़ोतरी हुई, तो अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो 400 हर्ट्ज ही घटना है. तो उसके लिए हमें बेटर एग्जांपल लेना होगा. मुझे लेना होगा एफ सी इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, तो यहाँ पर ये 1500 हर्ट्ज होगा. और अगर यहाँ पर ये हम एफ सी को 1000 हर्ट्ज ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये 500 हर्ट्ज होगा. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. फ्रीक्वेंसी डेविएशन मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी से कितना अधिक पहुंचा और कैरियर फ्रीक्वेंसी से कितना घट करके फ्रीक्वेंसी मिनिमम पहुंचा. ठीक है, सो ये है फ्रीक्वेंसी डेविएशन. मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम माइनस एफ सी, और वी कैन राइट एफ सी माइनस एफ मिनिमम. ओनली वी हैव टू टेक द न्यूमेरिकल डिफरेंस. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ एफ एम वेव. यू वेरी वेल नो वॉट इज मैसेज सिग्नल, वॉट इज करियर सिग्नल. नाउ हियर एफ एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का नहीं बदलता है, इसीलिए ये एसी एज इट इज है. केवल फ्रीक्वेंसी बदलता है, और फ्रीक्वेंसी इज अ पार्ट ऑफ फेज एंगल. मेनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फाई और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी. 2 पाई कॉन्स्टेंट है, टी इज अ टोटल टाइम. सो एफ आई यहां पर होगा एफ आई. ठीक है, तो थीटा आई फेज एंगल चेंज हो रहा है, माने किसकी वजह से चेंज हो रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज की वजह से. सो वॉट इज फाई आई? इंस्टेंटेनियस फेज एंगल ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव. यू कैन राइट थीटा ऑल्सो, यू कैन राइट फाई ऑल्सो, बट वट एवर यू विल राइट, आपको उसका मीनिंग सही समझना है. नाउ वॉट इज ओमेगा आई? ओमेगा आई इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया. और जैसा कि आप जानते हो, एक सेकेंड में अगर 50 साइकिल कंप्लीट करता है तो हम उसको 50 हर्ट्ज कहते हैं. और एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना एंगल कंप्लीट करता है, वो है 2 पाई, 360 डिग्री. ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक सेकेंड में 10 साइकिल कंप्लीट किया और हर साइकिल अपने को कंप्लीट करने में 360 डिग्री ले रहा है, तो 10 साइकिल कंप्लीट करने में 10 इंटू 360 डिग्री माने 3600 डिग्री फेस एंगल कवर करेगा. गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, जब फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट बिकम्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और जब आप इन्हीं दोनों को जब आप टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फेस एंगल जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं. ठीक है, नाउ सिंस इन एफएम दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरीड, तो फ्रीक्वेंसी वेरी कैसे करता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई इज इक्वल टू, अभी आपने वेवफॉर्म में देखा
कि कैरियर फ्रीक्वेंसी एज इट इज है और कैरियर फ्रीक्वेंसी में ही मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली या तो एडिशन होता है फ्रीक्वेंसी का या फिर डिग्रेडेशन होता है, ठीक है ना। मैसेज सिग्नल अगर पॉजिटिवली राइज करेगा तो ओमेगा सी में एड होते जाएगा, और अगर मैसेज सिग्नल नेगेटिवली डीके करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा मतलब मैग्नीट्यूड डीके करेगा, तो ओमेगा सी में उतना ही माइनस वैल्यू होता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ती जाएगी या तो घटती जाएगी, ठीक है। तो चूंकि एम टी के करस्पॉन्डिंगली चेंज होता है इसीलिए हम यहाँ पर के एफ एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर पॉजिटिव साइकिल के एफ इज पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ मैसेज सिग्नल के एफ विल बी नेगेटिव। तो कैरियर सिग्नल में वेरिएशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज सिग्नल। अगर आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सही से समझा होगा तो हम वहां पर यहाँ पर लेते थे इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, यहाँ पर लेते थे कैरियर एम्पलीट्यूड और यहाँ लिखते थे के ए और यहाँ एम टी, बिल्कुल उसी तरीके से है। यहाँ एम्पलीट्यूड की जगह में हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं और के एफ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, ठीक है। नाउ इस एम टी का वैल्यू को हम इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, सो हियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई इज इक्वल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी एडेड विद द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। सो व्हेन द अकॉर्डिंग चेंज वी विल टेक देन अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड के एफ, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एम टी के एफ विल बी पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एम टी के एफ विल बी नेगेटिव विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। इफ इन द प्लेस ऑफ एम टी इन इक्वेशन 4 यू पुट द वैल्यू ऑफ एम टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू वी विल गेट ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के एफ एंड इन ब्रैकेट द कंप्लीट वैल्यू ऑफ एम टी देन इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 5। ओपन द ब्रैकेट एंड यू विल गेट दैट देयर इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू के एफ ए एम, सो दिस के एफ ए एम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। इफ इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल ओमेगा and angular frequency is equal to 2 pi f, so here for angular frequency deviation del omega is equal to 2 pi del f is equal to k f a m. So in place of k f a m in equation number 5 we can write del omega, so here we have written del omega and then it becomes equation number 7. Now the total phase angle phi I, since the frequency is continuously changing, so at any instant t the angle is phi I, but for the complete wave what will be the total phase shift, so that theta I instantaneous phase angle will be the integration of omega I dt, okay. We have to take the total sum of change of angular frequency with respect to time. So we put the value of omega I from equation number 7 and we will get this value, theta I is equal to this one. You just take your pen and pencil and solve it and you will find that finally we will get this equation, which is very complicated one. ST is equal to AC cos omega CT plus AC cosine of MF sin omega MT. Means this equation is cosine of sine wave, which is very complex equation. So you do all these things which I have